राम मंदिर के फैसले आने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान दिया था। वहीं वसीम रिजवी ने ओवैसी के बयान का पलटवार करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, मस्जिद की जमीन वक्फ संपत्ति का मामला है, ओवैसी और किसी मौलाना को इस पर बोलने का कोई हक नहीं। इसके साथ ही वसीम रिजवी ने पलटवार करते हुए कहा, मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, नफरत को बढ़ावा देने के लिए ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो राम जन्मभूमि के फैसले में 5 एकड़ जमीन दी गई है, वो मस्जिद के लिए दी गई है, जिसका लैंड यूज चेंज करके मदरसा, कॉलेज, अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। ओवैसी जैसे लोग या उनके जैसे मुल्ला जो बयान मस्जिद के संबंध में जारी कर रहे हैं कि उनको खैरात नहीं चाहिए है या वो उस जमीन को नहीं चाहते, तो ये वक्फ संपत्ति का मामला है, इसमें उन्हें बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि मस्जिद की जमीन में हिंदुओं का पैसा नहीं लग सकता या खैरात में नहीं ली जा सकती। तमाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में कारोबार कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों के साथ में कारोबार करते हैं और उससे मिलने वाले फायदे से रोटियां भी खाते हैं और नमाज के लिए मुसल्ले भी खरीदते हैं और कुरान मजीद का हदिया भी देते हैं। इसलिए ऐसे बयानात का मतलब सिर्फ नफरत को बढ़ावा देना है और देश के मुसलमानों को इस देश में अलग